दोस्तों चंद्रयान को निकले तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं और जब चंद्रयान भारत से स्पेस मिशन के लिए निकला था तब उस समय पीएम मोदी फ्रांस में थे। लेकिन अब जब चंद्रयान के 5 दिन हो चुके हैं और तकरीबन 500 किलोमीटर दूर वे चला गया, तब चंद्रयान के साथ मात्र 42 सेकेंड में कुछ ऐसा हुआ जिससे नासा, इसरो, स्पेसएक्स सभी स्पेस एजेंसियों में चर्चा होने लगी। तभी अंतरिक्ष में इसरो ने भी कुछ ऐसा किया, आपको डिटेल में बताएंगे, तब पूरी जानकारी से आप रूबरू हो पाएंगे। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी खबर देते हुए बताया है कि टीम ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट मैनोरिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिसमें कभी तो चंद्रयान धरती के बेहद करीब आ रहा है तो कभी यह बड़ी दूरी पर चला जाता है। और दोस्तों जो चंद्रयान पहले धरती के नजदीक था अब वे काफी दूरी पर जा चुका है। दोस्तों अब ऑर्बिट मैनोरिंग करके इसकी अधिकतम दूरी को 41,762 किलोमीटर और पास की दूरी को 220 किलोमीटर कर दिया गया है। इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजनों को 42 सेकेंड के लिए चालू किया गया और अब इसरो के वैज्ञानिक इससे संबंधित डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। इसरो के साइंटिस्ट ने साफ तौर पर कहा कि दूसरी ऑर्बिट मैनोरिंग पूरी तरह से सही हो गई है, मतलब अब चंद्रयान 3 धरती से और थोड़ी दूरी पर चला गया है। इसके बाद उम्मीद है कि 3 और ऑर्बिट मैनोरिंग की जाएगी जिसमें लगातार तीसरी, चौथी और पांचवी ऑर्बिट को बदल दिया जाएगा, मतलब धरती के चारों तरफ पे 5 बार चंद्रयान 3 की कक्षाओं को बदला जाएगा। दोस्तों इसी वजह से 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना ज्यादा दूर जा चुका होगा, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक लगातार इसकी दूरी में फेरबदल करके इसे बढ़ाते रहेंगे जब तक यह धरती से करीब 1,00,000 किलोमीटर तक दूर नहीं हो जाता। दोस्तों वहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक एक सिंगल शॉट मारेंगे जिससे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। इस दौरान 5 दिन लंबी ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद 5 या 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि इसे और भी ज्यादा नजदीक धकेला जा सके, यानी इसका इंजन स्टार्ट किया जाएगा जो फाइनली इसे चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंचा देगा। यहां पर दोस्तों 17 अगस्त को प्रोपल्सन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग हो जाने के बाद लैंडर की प्री बूस्टिंग की जाएगी, यानी कि इसकी गति को कम करना होगा और यह काम होगा 23 अगस्त को और यही वह क्षण होगा जब भारत के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांसें थम चुकी होगी, क्योंकि यही सबसे कठिन टास्क होता है और यही से लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हालांकि दोस्तों इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों को काफी ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, इनमें नए सेंसर लगाए गए हैं और नए सोनल पैनल लगाए गए हैं। इसके सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा उम्दा बना दिया गया है, मतलब इस बार जो एल्गोरिदम है वह पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और इसरो अपने मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को लेकर इतिहास रचने को तैयार है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा खेल भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इस मिशन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th देश बन जाएगा। खास बात यह है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जरूरी मिनरल्स की भी खोज करने वाला है और जो काम रूस और अमेरिका नहीं कर पाए वह काम अब इसरो करने वाला है। अमेरिका 2025 में अपना मून मिशन आर्टेमिस लॉन्च करने वाला है और भारत की चंद्रयान 3 से मिलने वाली जानकारी नासा के बेहद काम आने वाली है, इसलिए अमेरिका भी इस मिशन के लिए काफी उत्सुक है। और अब यह मिशन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मिशन बन चुका है। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब वह समय दूर नहीं जब भारत वर्ल्ड में टॉप 5 देशों में आने लगेगा और भारत के पास भी वीटो होगा, यानी कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलेगी। वो समय अब दूर नहीं है। बता दें कि अब चीन के साथ सीमा विवाद यानी कि बॉर्डर विवाद को लेकर भी अब चीन चाहता है कि भारत से बातचीत हो और यह मसला सुलझे, नहीं तो चीन का आने वाले समय में क्या हाल होगा वह खुद भी समझने लगा है। इसलिए क्या कुछ अब चीन चाहता है भारत से, उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि जिस तरह से भारत के सपोर्ट में बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, रसिया और अमेरिका आ रहे हैं और अपने अपने देश में पीएम मोदी को बुलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, उससे अब चीन को भी समझ आने लगा है कि अगर वह भारत से ज्यादा दिन तक दरार रखेगा तो उसे भी दिक्कतें होगी। और इसी वजह से चीन भारत के लिए कुछ अलग सोच रहा है। और क्या कुछ चल रहा है मीटिंग में चीन और भारत के खिलाफ, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। वांग यी ने दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की। वांग यी ने जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बैठक में कहा कि दोनों देशों की सीमा यानी कि बॉर्डर समस्या का पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान ढूंढना चाहिए। और यह बयान चीन की तरफ से तब दिया गया जब भारत साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य प्रतिरोध में फंसा हुआ है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे अपने लंबे राजनीतिक करियर की सबसे जटिल चुनौती बताया। ऐसे जयशंकर ने चीन को यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, दोनों देशों के बीच संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। वांग यी और जयशंकर ने इंडोनेशिया की जगह जकार्ता में एआरएफ मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मुलाकात की। मौजूदा विदेश मंत्री किंग गैंग के अस्वस्थ होने पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जकार्ता में हुई बैठक में भाग लिया और बैठक के दौरान वांग यी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीन से मुलाकात का सिलसिला जारी रखेगा और सीमा मुद्दा का ऐसा समाधान ढूंढेगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक दूसरे के विकास, लोगों की जीविका में सुधार और जरूरी मुद्दों पर परिभाषित किए बिना इनमें तेजी लाने पर केंद्रित करना चाहिए। वांग यी के साथ अपनी मुलाकात पर जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि हमारी बातचीत में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि एआरएफ एजेंडा, ब्रिक्स और हिंद प्रशांत पर भी चर्चा हुई। वांग यी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन भारत संबंधों को स्थिर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं और अब दोनों पक्षों को इस दिशा में काम करना चाहिए। इसके साथ साथ विपक्षी संबंधों को सही दिशा में ले आना चाहिए। दुनिया के विकासशील देशों और पड़ोसी के रूप में चीन और भारत की साझेदारी उनके मतभेदों से काफी अधिक महत्वपूर्ण है। खैर, यह बात तो साफ है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ, लेकिन जब से भारत का डंका दुनिया भर में जोरों शोरों से बज रहा है तब से चीन की भी नींद उड़ी हुई है और चीन भी भारत से दोस्ती की बात कहने लगा है। यह भी कहने लगा है कि सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चीन ने किस तरह से सीमा विवाद को लेकर बयान दिया है, वह सच में यह करना चाहता है या फिर सिर्फ बोलने के लिए दिखावा कर रहा है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।